हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज एंटी लॉगरिथम के बारे में देखेंगे कि किसी नंबर का एंटी लॉगरिथम कैसे देखते हैं, साथ ही लॉगरिथम टेबल का यूज करके किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कैसे आसानी से करते हैं इसके बारे में भी सीखेंगे। लेकिन मैं स्टार्ट करने के पहले बताना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अगर लॉगरिथम टेबल देखने नहीं आता है तो मेरे चैनल में एक लॉगरिथम टेबल देखने सिखाया गया एक वीडियो में, आप उसको जरूर देखिए और उसके बाद एंटी लॉग देखिएगा तो और आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एंटी लॉगरिथम। अब सबसे पहले ये देखिए कि एंटी लॉगरिथम होता क्या है। जैसे मान लीजिए किसी नंबर एम का लॉगरिथम एन है, अगर नंबर एम का लॉगरिथम एन है तो n का एंटी लॉगरिथम n होता है। तो हम लोग कहते हैं एंटी लॉगरिथम ऑफ n इज इक्वल टू m, यानी जस्ट ये उल्टा है, m का लॉगरिथम अगर n है तो n का एंटी लॉग m हो जाए। जैसे आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हम लोग लेते हैं लॉगरिथम ऑफ 100 इज इक्वल टू होता है 2। एक्चुअली बेस हम लोग नहीं लिखे हुए हैं तो बेस यहाँ पर 10 होगा। लॉगरिथम टेबल या एंटी लॉग टेबल जो बनाया गया है उसमें बेस 10 है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बेस नहीं लिख रहे हैं, लेकिन बेस यहाँ पर 10 होगा। तो 100 का लॉगरिथम 2 होता है तो 2 का एंटी लॉग हो जाएगा 100, एंटी लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 100। अब जैसे देखिए लॉगरिथम ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3 होता है, तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन से कि जस्ट उल्टा होता है, 1000 का लॉगरिथम 3 है तो 3 का एंटी लॉगरिथम हो जाएगा 1000, एंटी लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू 1000। तो ये एंटी लॉग होगा, एंटी लॉग लॉग दोनों एक दूसरे का उल्टा है, अगर एम का लॉग एम तो एम का एंटी लॉग एम। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एंटी लॉग टेबल कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं एक नंबर ले रहा हूं 3.7523 और इसका मैं एंटी लॉग देखूंगा। तो मैं लॉगरिथम में बताया हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो लॉगरिथम में मैं बताया हूं कि ये जो नंबर है, जिस नंबर का एंटी लॉग हम लोग देख रहे हैं, पॉइंट के पहले जो नंबर है वो कैरेक्टरिस्टिक है और पॉइंट के साथ जो है वो मिंटिसा है। तो टेबल में जो है एंटी लॉग जब देखते हैं तो पॉइंट के बाद वाला नंबर का देखते हैं। तो पॉइंट के बाद जो है आपका 4 डिजिट होगा, जनरली वो 4 डिजिट आप ले लीजिए, पॉइंट से स्टार्ट कीजिए 0.7523। अब इसी नंबर का हम लोग एंटी लॉगरिथम देखते हैं, ये जो पॉइंट के पहले नंबर है उसका अभी जरूरत नहीं, एंटी लॉगरिथम टेबल में इसका जरूरत है, तो आप इसी को देखिए। अब जरा देखिए 0.75 एंटी लॉगरिथम इसका हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए लॉग टेबल पहले देखते हैं। ये आप देखिए एंटी लॉगरिथम टेबल है, इस एंटी लॉगरिथम टेबल में आप यहां पर देखिएगा ये पॉइंट से स्टार्ट होता है, 0.00 से स्टार्ट हो रहा है और 0.00 से आपका 0.01, 0.02, ये आप इसी तरीके से देखिएगा तो ये 0.99 तक आएगा। इस टेबल में यहां पर दो टेबल मिलेगा आपको, 0.49 तक है और आप पीछे इधर आइएगा तो आप देखिए 0.99 तक है। तो ये 0.00 से स्टार्ट होकर के 0.99 तक होता है। अब ऊपर में देखिएगा 0 से लेकर के 9 तक है और ये मीन डिफरेंस कहलाता है, यहाँ पर मीन डिफरेंस 1 से लेकर के 9 तक है। तो हम लोग को देखना था 0.75 का 2 में, तो 0.75 का आप देखिए 0.75 का ये 0.75 है, ये 0.75 है और इसमें 2 में आप देखिएगा, तो मैं 2 में देख रहा हूँ 0.75 का देख रहे हैं, तो 0.75 यहाँ पर है इसके सामने और 2 के नीचे आइए तो 2 के नीचे हम लोग देखते हैं ये कितना है 5649 और इसी 0.75 का मीन डिफरेंस देखना है, मीन डिफरेंस हम लोग को देखना है 3 में, तो 3 के नीचे आइए, यहाँ पर 3 है, इस 3 के नीचे और 0.75 के सामने आप देखिएगा
तो ये 4 है, तो ये हो गया 5, 6, 4, 9 और प्लस 4, 0.75 के सामने 5, 6, 4, 9 था ये, और मीन डिफरेंस इसका 4 है, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। हम लोग एंटीलॉग टेबल में देखे हैं कि 0.75 का 2 में था 5, 6, 4, 9 और इसका मीन डिफरेंस 3 में था 4। आप ये दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, जो 75 का 0.75 का 2 में जो देखे थे और इसी का मीन डिफरेंस 3 में देखे थे, ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये नंबर आ रहा है। अब आप यहां देखिए एंटी लॉगरिथम इसका 5, 6, 5, 3। अब क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, डेसिमल पॉइंट जो बैठाएंगे हम लोग एक डिजिट के बाद बैठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 to the power कैरेक्टरिस्टिक से, तो 10 to the power जो कैरेक्टरिस्टिक है 3, उसी से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5.653 इनटू ये 1000 हो गया, 3 0 है तो पॉइंट जो है वो 3 अंक आगे चला जाएगा, तो 5653 डेसिमल पॉइंट यहाँ हो जाएगा, लास्ट में डेसिमल पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही इस नंबर का एंटी लॉगरिथम यही हो जाएगा, इस नंबर का एंटी लॉग जब देखेंगे तो ये 5653 हो गया। चलिए देखते हैं और कोई दूसरे नंबर का एंटी लॉगरिथम, तो एंटी लॉगरिथम हम लोग देखते हैं 1 बार 0.7523, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, ये -1 है और ये मेंटिसा है, तो सिर्फ मेंटिसा का ही एंटी लॉग देखा जाता है, तो 0.75 का 2 में और फिर 3 में मीन डिफरेंस देखेंगे, तो ऑलरेडी मेरा देखा हुआ है 0.75 का 2 में ये था और इसी 0.75 का मीन डिफरेंस 3 में 4 था, दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 5653। यहां पर भी सिंगल डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल पॉइंट बैठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power कैरेक्टरिस्टिक से, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है इसका -1 है, तो ये नंबर हो जाएगा 5.653 इनटू 1/10। अब ये डिवाइड में 10 है तो पॉइंट जो है वो एक डिजिट पीछे आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट यहां आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.5653। तो इस नंबर का जो एंटी लॉगरिथम है, इस नंबर का एंटी लॉगरिथम ये आ गया 0.5653। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक और नंबर मैं लेता हूं, उस नंबर का एंटी लॉगरिथम देखूंगा, तो चलिए नंबर मैं ले रहा हूं एंटी लॉगरिथम जो जिसको देखना है वो नंबर ले रहा हूं मैं -1.2084। इस नंबर का हम लोग एंटी लॉगरिथम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि लॉगरिथम सिर्फ पॉजिटिव नंबर का होता है, लेकिन एंटी लॉगरिथम नेगेटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर का भी एंटी लॉगरिथम होता है, लॉगरिथम से पॉजिटिव नंबर का होता है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, जब मैं एंटी लॉग देखूंगा यहाँ पर, तो एंटी लॉग देखने के लिए क्या करूंगा कि ये जो नंबर है पूरा नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर आइए, इसमें देखिए ये जो नंबर है, इस नंबर में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और मेंटिसा जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस हम लोग बाहर नहीं लगाते हैं, ये माइनस को ऊपर में लिखते हैं, ये माइनस यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, तो सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक ही नेगेटिव है और मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब फिर यहाँ पर देखिए कि जब एंटी लॉगरिथम हम लोग यहाँ पर इस नंबर का देख रहे हैं, तो इस नंबर में पूरा नंबर नेगेटिव है, जबकि सिर्फ मेंटिसा नेगेटिव, मेंटिसा पॉजिटिव होना चाहिए, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ही नेगेटिव हो सकता है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा उस तरीके से। तो देखिए इस नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, -1.2084 है, इसको हम लोग लिखते हैं -1 + 0.2084, सॉरी ये यहाँ पर माइनस हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 1 फिर ऐड भी कर देते हैं और -0.2084 रहने दीजिए, ये -1 -1 -2 हो गया और 1 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव आएगा, तो ये कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 7 0.7916, तो ये हो जाएगा
देखिए ये नेगेटिव नंबर है लेकिन ये पॉजिटिव है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो हॉल नंबर होता है वो नेगेटिव है और पॉइंट में 7916 लिखेंगे। तो ये नंबर को हम लोग इस तरीके से लिख लिए हैं ताकि हॉल नंबर नेगेटिव है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और डेसिमल नंबर जो है फ्रैक्शनल नंबर यहाँ पर वो पॉजिटिव ही है। अब हम लोग इसका एंटी लॉगरिथम देखना है, मतलब ये नंबर इसके इक्वल है, तो एंटी लॉग माइनस 1.2084 का देखना है तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं एंटी लॉग दिस नंबर इज इक्वल टू 2 बार 0.7916। अब हम लोग इसका एंटी लॉगरिथम देखेंगे, तो एंटी लॉगरिथम कैसे देखेंगे, हम लोग डेसिमल पॉइंट जो मिंटिसा होता है सिर्फ उसी का एंटी लॉगरिथम देखते हैं, तो 0.7916 का देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग एंटी लॉग टेबल देखते हैं, एंटी लॉग टेबल में इसका क्या वैल्यू होगा, ये 0.7916 का देखना है। तो इसके लिए 79 का 1 में देखेंगे और मीन डिफरेंस 6 में देखेंगे, 79 का 1 में और मीन डिफरेंस 6 में। तो चलिए लॉग टेबल देखेंगे, एंटी लॉग टेबल देखते हैं। 0.79 का आप यहां पर देखिए 0.79 का और 1 के नीचे आपको देखना है, तो 0.79 का 1 के नीचे 6180 है और मीन डिफरेंस हम लोग देखेंगे 6 में, तो मीन डिफरेंस आप 6 में देखिए, 6 के नीचे आइए तो 6 के नीचे ये 9 है, तो हम लोग 0.79 का 1 में 6180 और मीन डिफरेंस 6 में 9 था, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग देखें कि 79 का 1 में था 6180 और इसका मीन डिफरेंस 6 में था 9, आप ये दोनों को ऐड कर दीजिए 9816, तो ये एंटी लॉगरिथम इसका आ गया 6.189। पॉइंट हम लोग सिंगल डिजिट के बाद बैठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर कैरेक्टरिस्टिक से, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 6.189 और 10 टू द पावर माइनस 2 को 1/100 लिख सकते हैं। यहां पर 2 जीरो है तो 2 डिजिट पीछे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, 6189 था, ये 2 पॉइंट यहां पर पॉइंट था, 2 डिजिट पीछे आएगा तो एक तो 6 है और नहीं है तो यहां 0 बैठा दीजिए, पॉइंट यहां हो जाएगा और उसके पहले भी 0 बैठा दीजिए। तो इस नंबर का एंटी लॉगरिथम ये हो गया। तो हम लोग क्या सीखे, एंटी लॉगरिथम देखने सीखे हैं और फिर हम लोग अब लॉग टेबल का यूज करके किसी कैलकुलेशन को कैसे करते हैं, चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं। हम लोग इस नंबर को ले रहे हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे डिवाइड करना है और फिर इसका क्यूब रूट निकालना है। ये आसान नहीं होता ऐसे कैलकुलेशन करना, लेकिन लॉग टेबल से हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इसको अंतिम तक जरूर देखिए इस वीडियो को, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले इस नंबर को हम लोग सपोज कर लेते हैं एन, इस नंबर को एन मान लेते हैं कि एन के इक्वल है ये। अब एन का ही वैल्यू निकालेंगे, मैं अभी स्टार्ट में बता रहा हूँ तो एक्चुअली क्या है कि इसको थोड़ा लंबा से समझाने के लिए मैं लंबा करूंगा, लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लॉग ले लीजिए, लॉग एन, इधर भी हम लोग लॉग ले रहे हैं, लॉग 0.7136 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.04 0.0467 और ये जो है वो क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। अब हम लोग ये पावर देखते हैं कि पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/3 मल्टीप्लाई हो जाता है लॉगरिथम में और 0.7136 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.0467। अब लॉगरिथम के रूल से ही इसको हम लोग आगे लिखेंगे 1/3 लॉग, ये लॉग एम इंटू एन रहे तो लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, ये इंटू में रहे तो प्लस में हो जाता है और जो डिवाइड में होता है वो माइनस में हो जाता है 0.0467। ये सब मैं रूल एक और वीडियो में मैं बताया हूं, आप उसको जरूर देख सकते हैं। तो
अगर इनटू में रहे तो प्लस और डिवाइड में रहे तो माइनस, सभी में लॉग लग जाए। अब हम लोग लॉग टेबल से इसका लॉगरिथम देखेंगे। तो एंटी लॉग जैसे है वैसे ही लॉगरिथम टेबल से भी देखते हैं। तो लॉगरिथम टेबल जब किसी नंबर का लॉगरिथम देखना होता है तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ये पॉइंट और ये जो नंबर है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर उसके बीच जीरो की संख्या काउंट करते हैं। अगर नंबर वन से छोटा हो तो पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच जीरो की संख्या काउंट करते हैं। एक भी जीरो नहीं है, जीरो की संख्या जीरो है, उसमें वन ऐड करते हैं और उसका नेगेटिव लेते हैं। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा माइनस वन। अब हम लोग को 71 का 3 में देखेंगे और 6 में मीन डिफरेंस देखेंगे। तो 71 का आप 3 में देखिएगा तो ये 71 का 3 में आ जाएगा आपका 8531 और मीन डिफरेंस 6 में आएगा 4। तो ये हो जाएगा, दोनों आप ऐड करके लिखिएगा 5358 यानी कि पॉइंट में 8535। ये एंटी लॉग हो गया, सॉरी लॉगरिथम हो गया इसका। अब हम लोग फिर इसका लॉगरिथम देखते हैं। तो लॉग टेबल से आसानी से देख सकते हैं, मैं पहले बताया हूं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं उसको। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 1 बार और पॉइंट, इसका एंटी लॉगरिथम 80 का 0 में देखना पड़ेगा। तो 80 का 0 में आएगा 9031 और इसका एंटी लॉगरिथम फर्स्ट ये डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच जीरो की संख्या जीरो है, सॉरी वन है। डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच जीरो वन जीरो है और उसमें वन ऐड करेंगे, उसका नेगेटिव लेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया माइनस टू। और मिंटिसा देखना है तो 46 का 7 में देखेंगे, 46 का 7 में 6693 आएगा और ये 1/3 आप रहने दीजिए। ये नेगेटिव है माइनस वन और ये पॉजिटिव होता है 0.8535। यहां पर भी ये नंबर नेगेटिव है माइनस वन, ये माइनस वन लिखेंगे हम लोग और प्लस है ये प्लस 0.9031 और यहां पर ये नंबर माइनस टू नेगेटिव है और ये प्लस है 0.6693। अब ये माइनस वन ये माइनस वन माइनस टू और यहां पर माइनस माइनस प्लस टू ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसको ऐड कर लीजिए, ये दोनों नंबर को ऐड करना है और उसमें इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये नंबर आएगा आपका 1.0873। आप इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए तो 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा 0.3624। तो इस नंबर का लॉगरिथम ये आ गया, n का लॉगरिथम ये आ गया। अब आप यहां पर आइए, log n इज इक्वल टू आया है 0.3624। अब हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालना है तो n का लॉगरिथम इतना है, इसका एंटी लॉगरिथम n हो जाएगा यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.3624। अब हम लोग इसका एंटी लॉग देख लेंगे। तो एंटी लॉग मैं अभी बता चुका हूं कैसे देखना है इसे। तो 0.36 का 2 में देखेंगे और 4 में देखेंगे। आप एंटी लॉगरिथम देखिएगा, 0.36 का 2 में आएगा 2301 और 0.36 का 2 में और 4 में मीन डिफरेंस आएगा 2। ये आप दोनों ऐड कर दीजिएगा तो ये हो गया 2303। पॉइंट यहां पर बैठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 0 से, तो 10 टू द पावर 0 का वैल्यू हो गया 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ गया 2.303। तो n का वैल्यू निकल गया और n हम लोग किसको माने थे, n इस नंबर को माने थे। तो इस n का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, n का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 0.7136 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.0467। इसका वैल्यू आ गया 2.303। तो फ्रेंड्स ये हम लोग एंटी लॉग
और लॉग टेबल दोनों का यूज करके इसका कैलकुलेशन किए हैं। आप अगर ऐसे करना चाहें तो ये आसानी से नहीं किया जा सकता है बिना कैलकुलेटर के हेल्प से, लेकिन कैलकुलेटर जो है वो एग्जाम में अलाउ नहीं होता है। लॉग टेबल आपका अलाउ है तो लॉग टेबल आप सीख लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत जगह ये काम हम लोग लॉग टेबल से कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमेशा खुश रहिए। चलिए, और अपने आसपास साफ सफाई रखिए, स्वच्छ रखिए। धन्यवाद।